हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी के मंत्री पर भड़के योगी के मंत्री, कहा देश में हिंदू मुस्लिम करना बंद करो और कुछ काम करो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि मुसलमान मुगल के वंशज नहीं बल्कि प्रभु श्रीराम के वंशज है, इसीलिए ये लोग राम मंदिर का विरोध ना करें और जो राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो भी समर्थन में आ जाए, वरना उनसे हिंदू नाराज हो जाएंगे। इसी बयान पर योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह पर निशाना साधा है। राजभर ने कहा कि जो बिहार वाले नेता बयान दे रहे हैं वो जिस रोड पर चलते हैं उसको उनके दादा बनाए हैं, जो जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनाया। एक नई सड़क बना के दिखा दे, बयान देना अलग बात है। CMIE रिपोर्ट, इस तिमाही में देश को 80,000 करोड़ का नुकसान, गिरते रुपए के साथ घट रहा है निवेश। 2019 लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं। कहा जा रहा था कि अर्थव्यवस्था के मोर्चे बुरी तरह हार जाने वाली मोदी सरकार कम से कम चुनावी वर्ष में कुछ बेहतर प्रदर्शन कर जनता को मनाने की कोशिश करेगी, लेकिन स्थिति पहले से बदतर होती जा रही है। देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों ने जनता की जेब खाली कर दी है। इसका असर महंगाई पर भी दिखाई दे रहा है। वही सरकार डॉलर के मुकाबले रुपए की घटती कीमत को भी नहीं संभाल पा रही है। वर्ष 2018 में रुपया लगातार 6 महीना गिरा है। वर्ष 2002 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं को बेवकूफ बना रही बीजेपी, मोदी मंदिर नहीं बनवाना चाहते, कहना है प्रवीण तोगड़िया का। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भले ही राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए भड़काऊ बयान दे रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए उनका सरकार गंभीर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अहिप के अध्यक्ष एवं राम मंदिर निर्माण को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे प्रवीण तोगड़िया का कहना है कि मोदी सरकार राम मंदिर निर्माण के नाम पर सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है, वो मंदिर का निर्माण नहीं करना चाहती। तोगड़िया ने इस पर खुलासा करते हुए कहा, मेरे निवेदन के बावजूद मेरे समर्थकों को कार सेवकपुरम में रहने नहीं दिया जा रहा। आज कार सेवकपुरम सरकारी कार सेवकपुरम हो गया है। मेरा मोदी से झगड़ा नहीं है, मैं बीते 32 साल से राम मंदिर की मांग कर रहा हूं। अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में राम मंदिर बनवा कर भी नहीं बच सकती भाजपा, 2019 में हार तय है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी चुनावी रैली का आगाज कर दिया है। इसी सिलसिले में वो आज छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंची, जहां उन्होंने पीएम मोदी समेत बीजेपी आरएसएस पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि बीजेपी चाहे तो पूरे देश में राम मंदिर बनवा ले, मगर उसे हम जीतने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण का सिर्फ राजनीतिकरण हुआ है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बसपा सुप्रीमो ने छत्तीसगढ़ के चुनाव में बसपा और जोगी की पार्टी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में गठबंधन की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार जीत कर आए और सरकार बन सके। हफ्ते भर में 37,000 करोड़ घटा विदेशी मुद्रा भंडार, 2011 के बाद अब मोदी राज में आई सबसे बड़ी गिरावट। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती कीमत का असर अर्थव्यवस्था को कई तरह से प्रभावित कर रहा है। रुपए की गिरती कीमतों के चलते विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी आई है और अक्टूबर में मुद्रा भंडार ने घटने का नया रिकॉर्ड बनाया है। विदेशी मुद्रा भंडार वह सुरक्षित पैसा होता है जिसे देश में किसी भी तरह के संकट और व्यापार के लिए रखा जाता है। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले लगातार घट रही है और इस वजह से आयात किए हुए उत्पादों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार से पैसा निकालना पड़ रहा है। निवेशकों को नहीं रहा पीएम मोदी पर भरोसा, 21,000 करोड़ का निवेश करके 25,000 करोड़ निकाले। साल भर में 21,000 करोड़ का निवेश आया था, मगर निवेशकों ने सिर्फ एक महीने में 25,000 करोड़ निकाल लिया। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, निवेशकों का भरोसा इस पर से उठता जा रहा है और ये बात उनके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था से निकाले जा रहे पैसों का आंकड़ा बताता है। रिपोर्ट, वेतन बढ़ोतरी दर 1.5% घटी, जिनके रोजगार नहीं छीन पाए उनके वेतन काट ले रहे हैं मोदी।
नोटबंदी और जीएसटी ने भारत की अर्थव्यवस्था के साथ क्या किया है, इसको लेकर एक और रिपोर्ट आई है जो सिर्फ रोजगार पर ही बात नहीं करती है बल्कि ये भी बताती है कि मोदी सरकार की इस तथाकथित आर्थिक क्रांति जीएसटी ने किस तरह से असमानता को बढ़ावा दिया है और बाजार में छोटे कारोबारियों का टिकना मुश्किल कर दिया है। 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने के नाम पर शासन में आए नरेंद्र मोदी के शासनकाल में नौकरी में वृद्धि यानी जॉब ग्रोथ घटती जा रही है और साथ ही वेतन वृद्धि भी लगातार कम हो रही है। भारत की अर्थव्यवस्था फ्रांस से पिछड़ गई, मगर मीडिया चुप है क्योंकि वाहवाही के पैसे मिलते हैं, आलोचना के नहीं। गिरते रुपए ने मोदी सरकार की लौटी तथाकथित सफलता को भी असफलता में बदल दिया है। कुछ समय पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई थी। कुछ हजार करोड़ के अंतर से हमने फ्रांस को पीछे छोड़ दिया था। इसका हल्ला मोदी सरकार ने प्रवक्ता से लेकर मंत्री तक ने मचाया था, लेकिन रुपए के लगातार गिरने से अब भारत की अर्थव्यवस्था 2 लाख करोड़ रुपए से कम हो गई है, जबकि बाकी के देश वही बने हुए हैं जहां थे। मनमोहन सरकार में महंगाई को डायन बताने वाला मीडिया आज पेट्रोल के बढ़ते दामों पर खामोश है, कहते हैं आशुतोष। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। शुक्रवार की सुबह पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिला। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को पेट्रोल के दामों में 22 पैसे पर लीटर की बढ़ोतरी हुई, तो वही डीजल के दाम 28 पैसे पर लीटर बढ़े। इस बढ़त के साथ शुक्रवार को राजधानी में पेट्रोल की कीमत 78 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर तो वही डीजल की कीमत 70 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर हो गई है। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पुलिस ड्राइवर पर भड़के योगी के मंत्री, ड्राइवर को जबरन पैरों पर गिरकर मांगनी पड़ी माफी। लोकतंत्र में नेता को जनता और देश की सेवा के लिए चुना जाता है, लेकिन मौजूदा दौर में नेता सेवक नहीं राजा बन गया है। इसका ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश के कानपुर में उस वक्त देखने को मिला जब कैबिनेट मंत्री सतीश महाना के गुस्से से बचने के लिए पुलिस ड्राइवर को उनके पैरों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी की फ्लीट में गाड़ी चलाने वाली ड्राइवर की गाड़ी से कैबिनेट मंत्री सतीश महाना की कार टकरा गई, जिस पर मंत्री जी को गुस्सा आ गया और वो ड्राइवर को धमका लगे। कहीं देवदासी बनाकर शोषण तो कहीं अछूत बताकर मंदिर से तिरस्कार, महिलाओं पर दो तरफा अत्याचार। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री को लेकर विवाद अब भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बुधवार को पहली बार सबरीमाला मंदिर खुला, लेकिन उन्मादी भीड़ की हिंसा ने महिलाओं को मंदिर के गर्भगृह में घुसने नहीं दिया। पुरुष ही नहीं महिलाएं भी इस हिंसक भीड़ की हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इन हिंसक प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सभी उम्र की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं होनी चाहिए। गिरिराज के भड़काऊ बयान पर बिफरी बीजेपी सांसद, कहा हमें राम मंदिर नहीं नौकरी और रोटी चाहिए। बहराइच में बीजेपी सांसद सावित्री बाई फूले ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के राम मंदिर को लेकर दिए विवादित बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमको राम मंदिर नहीं नौकरी और रोटी चाहिए, इसीलिए राम मंदिर पर लोगों को भड़काना बंद करें। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि मुसलमान मुगल के वंशज नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के वंशज है। CMIE रिपोर्ट, 14 महीनों में 167% बढ़ी बेरोजगारी, नौकरी देने में नहीं छीनने में नंबर एक बने मोदी। मोदी सरकार ये कहते आ रही है कि उसके द्वारा उठाए गए नोटबंदी और जीएसटी जैसे आर्थिक कदमों के फायदे देश को समय बीतने के साथ ज्यादा होंगे, लेकिन फायदे के बदले जैसे जैसे समय बीत रहा है देश का नुकसान बढ़ता जा रहा है और अब वर्ष 2018 आर्थिक संकट के रूप में देश के सामने आ गया है। वर्ष 2018 में देश की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है। इसका खामियाजा आम जनता को महंगाई से लेकर रोजगार तक के मोर्चे पर भुगतना पड़ रहा है। रिपोर्ट, बेरोजगारी दर बढ़कर 7.1% पर पहुंची। अलका बोली, मोदी जी क्या इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार है?
मोदी सरकार यह कहते आ रही है कि उसके द्वारा उठाए गए नोटबंदी और जीएसटी जैसे आर्थिक कदमों के फायदे देश को समय बीतने के साथ ज्यादा होंगे, लेकिन फायदे के बदले जैसे जैसे समय बीत रहा है देश का नुकसान बढ़ता जा रहा है और अब वर्ष 2018 आर्थिक संकट के रूप में देश के सामने आ गया है। वर्ष 2018 में देश की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है, इसका खामियाजा आम जनता को महंगाई से लेकर रोजगार तक के मोर्चे पर भुगतना पड़ रहा है। दरगाह में महिलाओं की एंट्री को जीत बताने वाली स्मृति मंदिर में महिलाओं के एंट्री को पाप बता रही है। सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी किसी महिला को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। जब से फैसला आया है तभी से हिंदुत्ववादी संगठनों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अब इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध का समर्थन किया है। स्मृति ईरानी ने कहा, मैं मौजूदा केंद्रीय मंत्री हूं, इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकती हूं। मुझे लगता है कि मेरे पास पूजा करने का अधिकार है लेकिन अपवित्र करने का नहीं, और यही वो अंतर है जिसे पहचानने और सम्मान करने की जरूरत है। बेरोजगारी ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, गहलोत बोले, देश को पीछे ले जा रहे हैं मोदी, नहीं चाहिए ऐसा विकास। बेरोजगारी का पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। मोदी सरकार में युवाओं में बेरोजगारी की दर 16% हो गई है। लोकसभा चुनाव में कई वादों में से एक वादा था बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम लगाकर रोजगार की रफ्तार बढ़ाने का, मगर हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा जुमला साबित हुआ है। दरअसल अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सतत रोजगार केंद्र से एक रिपोर्ट आई है। जन आशीर्वाद रैली में भिड़े सीएम शिवराज और कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक, जमकर चले लात घूंसे। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय में गुट बन चुका है। यही हुआ इंदौर में, जहां सीएम शिवराज अपनी जन आशीर्वाद रैली लेकर पहुंच हुए थे। इस दौरान पर विधायक उषा ठाकुर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ शिवराज का स्वागत किया, मगर कुछ कार्यकर्ता दूसरे नेता की तख्ती लेकर पहुंच गए, जिसे लेकर दोनों गुटों में जमकर हाथापाई हुई। दरअसल टिकट बंटवारे को लेकर दोनों नेताओं के गुटों में जमकर तनाव पैदा हो गया, जो अब कार्यकर्ताओं तक पहुंच गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता को जान से मारा, अलका बोली, ये गांधी नहीं गोड से काल चल रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना क्या कभी इतना खतरनाक हो सकता है कि किसी की जान चली जाए? नफरत और हिंसा के इस दौर में कुछ भी संभव है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता मनोज दुबे को चाकुओं से गोद कर मार डाला गया, क्योंकि उसने लिखा था अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले पोस्ट हटाने की धमकी दी, फिर पोस्ट न हटाने पर उस पर हमला बोल दिया। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी के सुनील दुबे, आकाश शर्मा और उमेश सिंह को गिरफ्तार किया है। करोड़ों खाकर नीरव माल्या फरार है और किसानों को मिली मार है, मोदी राज में बागों में बहार है। मोदी सरकार बनने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को खूब मीठे मीठे ख्वाब दिखाए। किसान भी बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठा था कि सरकार कुछ अच्छा करेगी। वक्त बीतता गया और पीएम मोदी अपने वादों पर मुंह करते गए। अगर किसानों की भाषा में कहे तो धोखेबाजी करते गए और किसानों उनकी फैसला का सही दाम दिलवाने में नाकाम रहे। सरकार बनते ही सबसे पहली सभी कर्जदार कारोबारी देश से फरार होने लगे, मगर किसानों पर कर्ज चढ़ जाने से कभी बैंक उनकी जमीन लेता तो कभी ट्रैक्टर। कांग्रेस नेता के फेसबुक पर लिखा, 2019 में हारेंगे मोदी, भड़के भाजपाइयों ने तलवार से काट डाला। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखना क्या कभी इतना खतरनाक हो सकता है कि किसी की जान चली जाए? नफरत और हिंसा के इस दौर में कुछ भी संभव है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता मनोज दुबे को चाकुओं से गोद कर मार डाला गया, क्योंकि उसने लिखा था अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहले पोस्ट हटाने की धमकी दी, फिर पोस्ट न हटाने पर उस पर हमला बोल दिया। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी के सुनील दुबे, आकाश शर्मा और उमेश सिंह को गिरफ्तार किया है। रविशंकर ने राहुल को बताया बेशर्म, अलका बोली, राफेल दलाली तुम करो और बेशर्म राहुल गांधी हो गए, ये कैसे?
मोदी सरकार के मंत्री राफेल डील पर लगातार बयान दे रहे हैं। इस बार केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए जब पत्रकार ने पूछा कि राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं कि आखिर राफेल मुद्दे पर पीएम मोदी कुछ नहीं बोल क्यों नहीं रहे हैं, इस सवाल पर रविशंकर प्रसाद ने झल्लाते हुए कहा कि बेशर्म राहुल गांधी का जवाब प्रधानमंत्री देंगे, उनके लिए हम ही लोग काफी है। रविशंकर प्रसाद के इस बयान पर आप विधायक अलका लांबा ने बीजेपी की बौखलाहट बताई है। इलाहाबाद का नाम बदले जाने पर बोले दिग्विजय, बीजेपी के बस दो ही काम, काटो फीता और बदलो नाम। यूपी के कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में आने के बाद से रेलवे स्टेशनों और शहरों का नाम बदले जाने का सिलसिला जारी है। इसी फहरिस्त में अब इलाहाबाद का नाम जुड़ गया है। योगी सरकार के इस फैसले का विपक्षी नेताओं से लेकर पत्रकारों और देश की कई मशहूर हस्तियों ने इस पर एतराज जताया है। इसी फहरिस्त में अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का नाम भी जुड़ गया है। दिग्विजय ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा के बस दो ही काम, काटो फीता और बदलो नाम। आरटीआई से खुलासा, नमामि गंगे योजना फेल, मोदी सरकार के शासनकाल में गंगा में बढ़ा प्रदूषण। गंगा सफाई के वादे के साथ सत्ता में आई मोदी सरकार के चार साल बीत जाने के बाद भी गंगा साफ होती नजर नहीं आ रही। मोदी सरकार के शासनकाल में गंगा साफ होने की बजाय कई जगहों पर और ज्यादा दूषित हो गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने न्यूज पेट्रोल द वायर को एक RTI की तहत दी है, जिसके मुताबिक पहले की तुलना में किसी भी जगह पर गंगा साफ नहीं हुई है, बल्कि साल 2013 के मुकाबले गंगा नदी कई सारी जगहों पर और ज्यादा दूषित हो गई है। सीएम खुद के आपराधिक रिकॉर्ड हटा देता है और दूसरों को अपराधी बताकर मरवा देता है, यही योगी राज है, दावा है पुण्य प्रसून का। ना तो हम रुके हुए थे और ना ही आपत्तिजनक अवस्था में थे, हमारी ओर से कोई उकसावा नहीं था, मगर कांस्टेबल ने गोली चला दी। ये लखनऊ की सना खान का बयान है, जो कार में ड्राइवर की बगल सीट पर बैठी थी और ड्राइवर की सीट पर उनका बॉस विवेक तिवारी बैठा हुआ था। दोनों ही एप्पल कंपनी में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं और शाम ढलने के बाद अपनी कंपनी के एक कार्यक्रम से रात होने पर निकले तो किसी फिल्मी अंदाज में पुलिस कांस्टेबल ने सामने से आकर सर्विस रिवॉल्वर से गोली चला दी। अटल वाजपेयी की भतीजी बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी चुनाव, बोली मोदी ने अटल आडवाणी को भुला दिया। बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सगी भतीजी करुणा शुक्ला छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ताल ठोंगेगी। कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री रमन सिंह के खिलाफ राजनंदगांव से अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद करुणा शुक्ला ने ANI से बातचीत के दौरान कहा कि रमन सिंह की सरकार पिछले 15 सालों से है और मुख्यमंत्री पिछले 10 सालों से राजनंदगांव के विधायक है, लेकिन उन्होंने वहां के लोगों के लिए कुछ किया नहीं है, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे राजनंदगांव के लोगों के लिए लड़ने के लिए भेजा है। करुणा शुक्ला ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को खड़ा किया, लेकिन पार्टी ने अपनी विचारधाराओं और संस्कृति को खो दिया है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।